टीवी के सुपरहिट कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कुछ महीनों से लगातार विवादों में है। इस शो के सभी फेमस और पसंदीदा कलाकार शो छोड़ चुके हैं। इन कलाकारों में हम सभी की फेवरेट दयाबेन भी शामिल हैं। इस बीच खबर आई है कि जल्द ही तारक मेहता शो में दयाबेन की वापसी होने वाली है, मतलब नवरात्रि के अवसर पर हमें अपनी फेवरेट दया भाभी का गरबा डांस देखने को मिल सकता है। मेकर्स शो में लगातार दिशा वकानी के लिए शो में वापसी की कोशिश कर रहे हैं। तारक मेहता शो में जेठालाल और दयाबेन की जोड़ी दर्शक खास पसंद करते हैं, लेकिन साल 2015 में दयाबेन का रोल निभाने वाली अभिनेत्री दिशा वकानी ने शो को अलविदा कह दिया था। इस वजह से इस किरदार को नया एक्टर भी अभी तक नहीं मिल पाया है। नवंबर में हो जाएगी दयाबेन की वापसी। दया का किरदार निभाने वाली दिशा वकानी ने साल 2015 में ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ दिया था। वो शो में सबसे प्रसिद्ध पात्रों में से एक थीं। उन्होंने अपनी विशिष्ट अभिनय क्षमताओं, मजेदार बातचीत और गरबा डांस से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना ली थी। अब खबर आई है कि दिशा वकानी शो में वापसी करेंगी और दयाबेन के रूप में अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगी। हालांकि मेकर्स ने इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं की है। क्या दिशा वकानी ही होंगी दयाबेन? दयाबेन 2 महीने से भी कम समय में शो में वापसी करने आ रही हैं। वहीं मेकर्स दिशा वकानी के साथ बातचीत कर रहे हैं, हालांकि उनके लौटने या ना लौटने की पुष्टि नहीं हुई है। न्यूज 18 के अनुसार निर्माता दिशा वकानी से बातचीत कर रहे हैं और नवंबर की शुरुआत तक दयाबेन के कैरेक्टर को वापस लाने की योजना बना रहे हैं। नवंबर की शुरुआत तक आप दया को शो में देख पाएंगे। मेकर्स पहले ही दिशा वकानी से संपर्क कर चुके हैं। दरअसल शो में दयाबेन के किरदार को वापस लाने में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि शो निर्माता इस किरदार के लिए सिर्फ दिशा वकानी को वापस चाहते हैं। दया के लिए दिशा ही उनकी प्राथमिकता है, लेकिन अगर वो वापस आने के लिए सहमत नहीं हैं, तो वे एक नई दयाबेन ढूंढेंगे। किसी भी तरह ये कैरेक्टर नवंबर में स्क्रीन पर वापस आ जाएगा।